देखो, जो प्लस टू का फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है स्टडी ऑफ चार्जेस लाइंग एट रेस्ट। तो रेस्ट पे पड़े होंगे, स्टडी में हम क्या डिस्कस करते हैं? जैसे दो चार्जेस हैं, सेम नेचर के भी हो सकते हैं, ऑपोजिट भी हो सकते हैं। तो वो दो किस्म के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो दो टाइप के चार्जेस हैं। तो दो चार्जेस चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, दे में रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव कैन अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो भी उनके बीच में फोर्स होगी, तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये इसमें बताया जाएगा। और हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो किस्म के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस का ओरिजिन कहाँ से हुआ? चार्जेस का ओरिजिन हुआ कि अगर मैं किसी भी बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लूँ तो उसके बाद डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी का मतलब पॉजिटिव चार्ज है। और अगर मैं किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर दूँ तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? तो इसलिए बॉडीज के ऊपर दो किस्म के चार्जेस हो सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है? पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आप किन्हीं भी दो बॉडीज को लें, उन्हें रब करें। जब आप रब करते हैं तो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सिल्क का पीस है और एक ग्लास रॉड है, तो आप इन दोनों को क्या करें? रब करें। जब आप इन दोनों को रब करेंगे तो आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड के निकल के किस में चले जाएंगे? इसमें क्लोथ में चले जाएंगे। तो इसके पास एक्सेस हो जाएगा, इसके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है आप एक वूल लें और एक एबिनॉइड रॉड लें, इन्हें जब आप रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के इस क्लोथ में से निकल के इस वूल में से निकल के इस रॉड में चले जाएंगे। तो इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से चार्जिंग को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर क्या होगा कि आप दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं। जब आप दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो अगर आप दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लेके आए और एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में फ्लो हो जाएं, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं? वो क्या हो गया? चार्जिंग बाय कंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेटल का ऑब्जेक्ट है जो कि न्यूट्रल है, कुछ नहीं है इसके ऊपर चार्ज। ये एक ग्लास रॉड है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे? इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो डेफिशिएंसी पूरा करने के चक्कर में खुद क्या हो जाएंगे? डेफिशिएंट हो जाएंगे। इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था, थोड़ा कम हो गया, तो आप चेक कर सकते हो कि अब इसके ऊपर भी क्या आ गया? सेम चार्ज आ गया। तो आपने कुछ भी नहीं किया, दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लेके आए, चार्ज अपने आप फ्लो हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मेथड बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि आप दो बॉडीज को चार्ज करते हो लेकिन उनको बिना टच किए, बिना कॉन्टैक्ट में लाए। तो जब आपके पास दो बॉडीज हैं, जैसे सपोज आपके पास एक बॉडी ये बॉडी है, दूसरी ये बॉडी है, तो आप इसमें इंडक्शन के अंदर करते क्या है इसको समझते हैं। इंडक्शन के अंदर हम दो बॉडीज को कंसिडर करते हैं, जैसे कि अभी मैं करके दिखाता हूं। ये देखो, सपोज आपके पास कोई भी एक बॉडी है विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये देखो, ये आप चार्ज करके लाए हो, आपने इसके सामने एक और बॉडी को रख दिया, एंड ये न्यूट्रल बॉडी है, कंडक्टर है और न्यूट्रल बॉडी है। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट की तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और यहां पर क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी, क्योंकि यहां के सारे इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ गए, तो ये क्या हो गया? डेफिशिएंसी। आपने इन्हें टच नहीं किया, फिर भी इसके ऊपर क्या आ गया? चार्ज आ गया। हम बोलते हैं चार्ज इसके ऊपर क्या हो गया? इंड्यूस हो गया। चार्ज इस बॉडी के ऊपर क्या हो गया? इंड्यूस हो गया। अब नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप इस रॉड को यहां से हटा दें तो ये इलेक्ट्रॉन भाग के फिर से कहां चले जाएंगे? इसके ऊपर चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां से सब चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले गए और इसकी डेफिशिएंसी को क्या कर गए? कंप्लीट कर गए, और अल्टीमेटली ये बॉडी फिर से क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जब तक वो रॉड है तब तक चार्ज था, रॉड गई, बॉडी न्यूट्रल। तो मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर परमानेंट चार्ज आए। परमानेंट चार्ज के लिए जब ये रॉड यहां पे थी
तो ये क्या थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए थे और यहाँ पर क्या हो गई थी, डेफिशिएंसी हो गई थी ऐसे। तो जब आप ये सिचुएशन थी तो आप इस पोर्शन को ग्राउंड कर दो, ग्राउंड या अर्थ करना, अर्थ करने का मतलब है कि आपने इसको ग्राउंड के साथ या अर्थ के साथ जोड़ दिया। जब आपने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया, अर्थ एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट पॉजिटिव एंड इनफाइनाइट नेगेटिव चार्ज। इसमें बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं। अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ में कोई चार्ज ऐड कर दोगे या अर्थ में से कोई चार्ज निकाल लोगे, अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ न्यूट्रल रहती है। तो अर्थ ने देखा यहाँ पर डेफिशिएंसी है, तो अर्थ ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई किया, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे और इसकी डेफिशिएंसी को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, और इस तरीके से ये न्यूट्रल होगी। यहाँ से इसने पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया, पर इसको नहीं कुछ कर पाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव रॉड। तो अब आप एक काम करो, आप अर्थ को भी हटा दो। जब आप अर्थ को भी हटा देंगे, यहाँ से आपने अर्थ को हटा दिया, तो अब क्या होगा, जब आपने अर्थ को हटा दिया और आप यहां से रॉड को भी हटा दो, तो आपने एक तरफ से अर्थ को हटा दिया, एक तरफ से रॉड को हटा दिया, तो आप ये देखेंगे कि अब इसमें ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके इस बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और ये बॉडी परमानेंटली क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो आपने इस बॉडी को टच नहीं किया उस रॉड के साथ, अगर टच कर देते तो मेथड ऑफ कंडक्शन हो जाता। तो आपने बिना टच किए इसके ऊपर चार्ज को इंड्यूस किया, इस मेथड को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये मेथड है, तो ये सब एग्जांपल्स है चार्जिंग बाय इंडक्शन के जो मैंने सिखाए। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।